हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैनवासी। देखिए, आज मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, किसी को शौतन से पीठा छुटकाना है, किसी को कम वशीकरण चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए जो गिफ्ट के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज अभी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं 5:30 बजे मेरे भाई ने बंदोबस्त करवाया है, मैं काली माँ के मंदिर जाऊँगी, वहाँ पूजा होगी। तो जिसको जो भी काम करवाना है आज शुरू करवा सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है। प्लस मैं और भी लोगों को एक बात बोलूँगी, जैसे आज का दिन ऐसा है ना कि जो हम लोग जो काली माँ की पूजा करते हैं, काली माँ का यहाँ पे काली गुहा का बहुत नाम है, कहते हैं आज भी यहाँ शेर आते हैं आरती के वक्त दर्शन करने। दूसरी बात, मैं बहुत सारे लोगों को एक मैसेज पहुँचाऊँगी कि मुझ पे, मेरे प्रभु पे, सब पे ध्यान देने से अच्छा अपने काम धंधे पर ध्यान दो। दो पैसा अगर आपको कहीं से मिलता है, कोई भी हो जो मेरे साथ सीखते हैं करते हैं, उनको एक ही दूंगी कि आपने सीखने पर ध्यान दो, करने पर ध्यान दो, काम धंधे पर ध्यान दो, क्योंकि काम धंधा आपको रोटी रोजी नहीं देगा, बाकी और कुछ काम नहीं आएगा। कुछ लोग है कि आता तो बहुत भड़की हुई है, हाजीदा ने तो यही कहा, माँ कुछ लोग जो हरकत करें उनको मैं देखूँगी, आप टेंशन मत लो, क्योंकि उसको कुछ लोग दिखे हैं। एक बात और, मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ, मुझे मैसेज आता है यूट्यूब पे बोलती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, ये चीज़ें उन्हीं पे जाएंगी जो ये हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मैंने पूर्णिमा के दिन ही कहा था कि मैं पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी पूजा करूँगी जिससे सब कुछ सामने आएगा, मेरे सामने बखूबी आ गया। और उस चीज़ का मैं ऐसा मत सोचो कि मुझसे पीछा छुड़ा लोगे या मुझसे बात नहीं करेंगे या मेरे से कांटेक्ट बंद कर देंगे तो मैं उन लोगों का पीछा छोड़ दूंगी। मैं उनके ऐसी हालत करूंगी जो असोचनीय है। फिर उसके बाद हाजीदा ने भी कहा है कि स्नेहा ने भी कहा है, माँ हम कुछ नहीं करते, हम सीधे ये करते हैं कि आप पे और दादा पे जो ज़्यादा ध्यान देते हैं हम उनकी बैंड बजा देते हैं। दूसरी बात, माया मैडम को भी एक बात मैसेज भेजूंगी, हाजीदा ने देखा है कि माया मैडम के लिए भी बोल रही थी कि माँ माया मैडम ऐसी है ना कि अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसका पति भी कहीं बाहर चला गया है और बॉयफ्रेंड भी चला गया है तो परेशान है। तो पहली बात तो तेरा पति ने तेरे बॉयफ्रेंड को इसलिए तुझसे दूर लेके गया कि तू इतनी बेशरम औरत है कि बॉयफ्रेंड को भी एक भाई का दर्जा दे के रखी है। तेरे पति को ये नहीं पता है कि तू जिसको भाई बुलाती है तेरे नज़र में भाई बाप की कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि तूने तो अपने पति के भाई को नहीं छोड़ा है, सगू ससुर को नहीं छोड़ा है, समझ, तेरे अंदर इतने खुजली है। लेकिन अब तुझे बुरा क्या लग रहा है कि तेरे पति ने तेरे बॉयफ्रेंड को भी उठा के लेके चले गए, जो कि तेरे पति को एक कानो कान खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ से बैठे बैठे बराबर नज़र रखी है, ये बात है याद रखना। ऐसा मत सोच कि जब तू किसी को मैसेज करते क्या करते मुझे सब दिखता है, लेकिन ये बात है कि ये है कि अब तेरे पति का बॉयफ्रेंड भी अगर अब तेरे पति के साथ जब वापस आएगा तो वो भी तेरा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तेरी असलियत सब कुछ पता चल चुकी है। और तुझे बॉयफ्रेंड की कमी कहाँ है? अरे तेरा पति बाहर गया है, बॉयफ्रेंड बाहर गया है ना, पति का भाई है, तेरा ससुर है, मार मुँह तू तो कितना, तू तो इतनी डरपोक है, तुझे पता है कि तेरी करनी की सज़ा तेरे भाई को सबको मिलने वाली है, तुझे पता है ये सब बात। इसके लिए तू डर के तो मायके नहीं जाती है, और मायके गई हो जाएगी, देख मैं क्या बोलूँ, तेरी माँ तुझे लेने आया, तेरा कोई भी लेने आए, जो तुझे लेने आएगा उसका एक्सीडेंट पक्का है, जो तुझे तेरे मायके छोड़ने जाएगा उसका एक्सीडेंट पक्का है, और उसके बाद तू जब भी मायके पहुँचेगी या जब भी या कुछ होगा तेरे भाई का एक्सीडेंट पक्का है, पक्का है, पक्का है, क्योंकि तेरे कर्म किए की सज़ा तुझे इसी तरह से हम लोग देने वाले हैं, उसके लिए कोई नहीं बचा सकता, जो बीच में आएगा वो होएगा। दूसरी बात, मैं यहाँ यात्रा पे आई हूँ तो मैं कुछ काम से आई, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार मेरे लिए बहुत बड़ा रहता है, यहाँ 19 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं। मैं अभी भी बोलूँगी ज़बरदस्त वशीकरण है, जो भी काम लेंगे आपका 101% पक्का काम होगा, और अगर मजाक में लेना है तो मुझे बिल्कुल मैसेज मत करो, क्योंकि मुझसे मजाक करने पर आपके साथ कौन कौन मजाक करने आएगा वो देखो। थैंक यू सो मच, मेरे बच्चों को सब लोग सराहना दे रहे हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं आपने कल बच्चों को वृद्धाश्रम भेजा था। मैंने इसलिए भेजा कि मैं अपने बच्चों को ये सब काम में दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे आगे उनको ये सब संभालना है, उनको देखना है कि दुनिया कैसी है क्या है, ऐसी बात। फिर एक और बात, कुछ लोग मेरे प्रभु को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद डिस्टर्ब रह के मेरे प्रभु तक डिस्टर्ब मत लाए, अपने पनौती छाया मेरे प्रभु तक बिल्कुल ना लाए, वो बहुत खुश है यहाँ पे, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि मेरा प्रभु यहाँ से आने के बाद एक बदला हुआ प्रभु रहेगा, क्योंकि अब तक उसको अपनी इमेज नहीं पता थी कि वो कौन है क्या है, यहाँ आने के बाद उसको इमेज पता चली है। कल उसने मुझे कहा तो मैंने उसको ये कहा कि प्रभु असली रिश्तों से ज़्यादा ये रिश्ते, ये तो मेरे सगे से भी बढ़कर है, अब जो भी है यही मेरा मायका है, यही मेरे भाई हैं,
आपको आपको लगता होगा एकाक साला, यहाँ पे 5100 पंडित, पूरे विंध्य पंडित का समाज की अकेली बहन हूँ मैं पंडितों में, तो इतना सारा प्यार है, यही है जो है। और यहाँ जो इज्जत तुम्हें मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी, और यहाँ जो पहुँच है वो कहीं नहीं। यहाँ मुझे मेरे प्रभु को मिलाने का एक कारण यही था कि मैं अपने प्रभु को दिखाऊँ कि तुम्हारी पहुँच, तुम्हारी इमेज क्या है। दिखावा कुछ नहीं है, एक बार अगर इनसे अटैच हो गए ना तो आजीवन ये तुम्हारा हाथ पकड़े चलने वालों में से, ये बात पक्की है। यहाँ कोई पैसों का खेल नहीं है कि मैं पैसा फेंक रही हूँ, तमाशा देख रही हूँ, नहीं। यहाँ खुद ही ये पंडित, पूरा विंध्य पंडित समाज ही खुद ही इतने पैसे वाला है ना कि ये तुमको खरीद सकता है खड़े खड़े। इसलिए ये बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं रखे कि मेरा प्रभु अकेला है या यहाँ कोई मैं पैसे फेंक के ये सब काम करवा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। पैसे तो हर जगह देने ही पड़ते, लेकिन यहाँ पैसों की बात नहीं है, यहाँ जो भी हो रहा है दिल से हो रहा है। क्योंकि मेरे भाई लोग कोई भिखारी नहीं है, एक से एक पैसे वाले, हमारा पूरा विंध्याचल पैसे वाला है। यहाँ विंध्याचल ऐसी जगह है कि माँ का इतना अच्छा आशीर्वाद है कि महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी माँ सरस्वती महाकाली की का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। और भगवान करे मेरे चतुरानंद भैया पे जिंदगी भर ये आशीर्वाद बरसे। ऐसा मेरे प्रभु ने देखा होगा, सबसे सब एक से एक बढ़कर एक दिखते। अच्छा हुआ माया मैडम नहीं आई मुझे तो डर लगता है मेरे माया मैडम भी मेरे प्रभु को, सॉरी मेरे माया मैडम भी मेरे चतुरानंद भैया को भाई भाई कह के कुछ और ही चक्कर में फंसाने को देखते। लेकिन हाँ, हमारे भाई लोग इतने बिकी नहीं है, दिखने में बस सब बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन इतने भी गिरे हुए नहीं है कि ऐसे कोई भी मुँह मारे और मुँह मार लेंगे, नहीं। हमारे में एक बहुत अलग होता है, समझ रहे हो। दूसरी बात, मेरे प्रभु को डिस्टर्ब करने की बिल्कुल मत सोचो। अपने घर में बैठे हैं, बच्चा है, बच्चा नहीं संभलता है, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, सब है। डिस्टर्ब इसलिए नहीं कि वो अपनी बहुत खुश है, तो थोड़ा खुश रहने दो। क्योंकि मेरे प्रभु भी कभी गांव जाते हैं तो मैं डिस्टर्ब तो नहीं करती हूँ किसी को, उल्टा मैं हर जगह से पैसे ऐसे भेजती रहती हूँ कि अच्छे से रहो। यहाँ पे वो है तो प्लीज़ अपनी पनौती छाया मेरे प्रभु पे बिल्कुल ना डालें, ऐसे आदे। और माया मैडम को क्या कहना, वो तो महाबेशरम है, उसको तो बहाने चाहिए, वो तो चाहती कि मैं खुश नहीं रहूँ तो कोई खुश नहीं रहे। मेरा प्रभु यहाँ से बदल के आएगा, क्योंकि यहाँ जो वो अपनी इमेज पहचान रहा है, वो इमेज पहचानने के बाद उसके अंदर का जो थोड़ा बहुत एक डर भी होगा भी निकल जाएगा, उसको पता है कि उसके पीछे का बैकअप कितना बड़ा है। ऐसी बात है। अरे अभी कल ही तो आए हैं गांव, अभी थोड़ा दो चार दिन उसको रहने दो, खुश रहने दो, है ना। आना तो वहीं है, कहीं थोड़ी भागने वाला है। ये सबके लिए मैसेज है, ये बात है। जो डिस्टर्ब करने को देखेगा ना, उसको मैं डिस्टर्ब करूँगी, ये याद रखना। तो प्लीज़ अपनी सोच, अपना दिमाग अपने तक रखें, क्योंकि मेरा प्रभु जहाँ आया है वो अपनी पहचान देखने आया है कि उसकी पहचान, उसका रुतबा क्या है। एक बार आदमी को जब अपनी पहचान और रुतबा पता चलता है ना, तो वो समुद्र में आ जाता है, फिर उसको तालाब में जाना पसंद नहीं होता। तो मेरा प्रभु को मैंने समुद्र में उतारा है, अब वो तालाब में नहीं उतरेगा और जो लोग उसे गंदी नज़र डालते हैं ना, अब मेरा प्रभु खुद उनको जवाब देना सीखेगा, क्योंकि उसने यहाँ देखा है कि भाई बहन के रिश्ते कैसे होते हैं। उसने यहाँ पे दो दिन में इतना तो देखा है कि मैं इतने बड़े, इतने भाइयों की बहन हूँ, लेकिन कोई भी भाई मेरे दरवाजे तक, मेरे बेडरूम के अंदर तक नहीं आया अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसे ये तो समझ में आया कि भाई बहन की मर्यादा और लिमिट क्या होती है, इंसान कैसे कैसे बात करते हैं। ये बात बहुत बड़ी बात उसको पता चली है, वो सोच उसको वो करेगी। ऐसी बात है, ये सोच जरूरी है। उसने देखा है यहाँ दो दिन में मेरे प्रभु ने कि उससे अगर बात भी कर रहे, लेकिन मेरे रूम तक, बेडरूम तक मेरा कोई भाई नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। हमारे में भाई बाप बेटियों के साथ बैठ के बात नहीं करते ज़्यादा, बस हाय हेलो उतना ही। ये तहजीब है हमारे गांव, हमारे नियम की। हमारे में ऐसी तहजीब नहीं है कि हर किसी को भाई बना लो और भाई के नाम पे बीच पीछे कोई और ही रिश्ता चालू रहे, ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत पाक साफ है, वो मेरे प्रभु खुद देख रहे हैं, कोई फालतूगिरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बात मेरे प्रभु को कुछ बहुत अच्छा चीज़ सिखाएगी और नज़र खोलेगी उसकी, ये है बस। बाकी जिसको भी जो काम करवाना है करवा। और एक और बात बोलूँगी, जो लोग भी मेरे पास काम करते हैं या मेरे साथ पूजा पाठ सीखते हैं, सबको बोलूँगी अपने काम धंधे और पैसों पे ध्यान दो। कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझसे पंगा लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए, पैसा तो जाए जाए लेकिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की लाइफ बिगड़ जाए, ये बात याद रखना। बस छोटे में इशारा काफ़ी है, बाकी आपकी मर्ज़ी। जय माता दी।